अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल सदियाली पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए एक बिल्कुल नए और बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी जो हम बनाएंगे एश ग्राउट से, यानी कि कुमड़ा। कुमड़ा कहते हैं ना इसे, कुमड़ा कहते हैं ना, हाँ कुमड़ा ही है वो जो भी उससे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसको मतलब तोड़ लेते हैं, अपना घर का ये इसको धो लेते हैं। इसका जो ऊपर का जो किताहुंगा होता है ना, वो बहुत ही कुछ आता है, तो इसको धो उसको उसका निकाल देते हैं। अब हम इसको इस तरह से ना, इसके ऊपर का जो छिलका है ना, उसको निकालते हैं। दोस्तों, मैंने ना YouTube में सर्च किया था, तो निकला कि सभी जो कुमड़ा की जो रेसिपी होती है ना, सब मतलब बड़ा वाला जो एकदम बूढ़ा हो जाता है उससे बनाते हैं। तो ये जो है ना, एकदम कस्मा नहीं एकदम कस्मा सॉफ्ट, जब छोटा, एकदम छोटा जब रहता है ना, उस टाइम में हम इसको मतलब एक तरीके से रेसिपी बनाते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इसको आप एक बार खा लेंगे ना, तो वो मतलब बूढ़ा जो रेसिपी जो है ना, वो भूल जाओगे, मतलब इसको ही खा लोगे, खाओगे हर बार। चुप, तो हमने इसको काट लिया है। अब इसको कर लेते हैं बॉल, 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं इसको। तो मतलब पूरा पकाना नहीं है, थोड़ा मतलब 20% इसको बॉईल करना है, उसको पकाना है। तो हम 5 मिनट के लिए इसको दे देते हैं बॉईल पानी पे। तो इस पे हम थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी देंगे, नमक देंगे कि मतलब बहुत देंगे अंदर थोड़ा, नमक देने से अच्छा होता है यार, क्या कहूँ। और हल्दी जो है वह कलर के लिए देते हैं, बहुत अच्छा कलर रहता है, तो हम इसको दे देते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे बॉईल के लिए, तो दे देते हैं। तो दोस्तों, मेरा बॉयल जो था 5 मिनट बाद मिल रही हूँ वो हो गया है, मैंने निकल दिया है। और इस पर और थोड़ा नमक, मैंने थोड़ा थोड़ा करके नमक दे रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ में देना पड़ेगा, बॉयल पे भी दी हूँ और जब हम पकाएंगे और तब भी देना पड़ेगा, इसलिए। तो इस पर मैंने हल्दी दी है, थोड़ा जीरा दी है, जीरा पाउडर दी है, जीरा पाउडर दी है, और थोड़ा थोड़ा किया है बाखर दी है। अब हम तवे है ना, ये तवे पे तेल डाल के, धनिया पाउडर तो मुख दिया ना, तेल डाल के ना उसको गर्म करके ना उस पर हम डाल देते हैं कुमड़ा को, ऐश को डाल देते हैं, ऐश ग्राउट कुमड़ा, इसको समय में कुमड़ा बोलते हैं भाई। देखा, मैंने हल्का सा मतलब बॉईल किया है, इसको पकाया भी नहीं। बॉईल में अगर पका लोगे ना, तो वो एकदम क्या होता है, सीढ़िया फारिया चढ़ता है। तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब आते हैं मसाले के, और मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का 3 प्याज ले लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, और 2 मैंने धनिया पत्ता ली है। अब मैं इसको इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से करने को तो मेरा प्याज हो गया। तो इसमें मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा धनिया पाउडर है ये, और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर, और थोड़ा सा मतलब क्या है, जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर है। मीट मसाला भी ऐड की है, मज़ा लगता है अच्छा लगता है खाने में। तो हमारा जो है ना, वो फ्राई करना हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको बनाएंगे। दोस्तों, आप लोग इसको एक बार बना लेना, बस बना के खा के देखना, इतनी ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल है, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो देखते हैं, चलिए। अब हमारा इस पे ना, मैं थोड़ा हरी मिर्च को भी ऐड कर दी है, उसका फ्लेवर जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो हम इस पे डाल देते हैं, अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं। मैं थोड़ा जीरा भी इस पे ऐड कर रही हूँ, जीरा का पाउडर नहीं, जो जीरा होता है ना, वो उसको ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, अच्छा लगता है। तो हमारा फ्राई जो वो हो रहा है, हो गया है। तो गैस की गैस को कर देते हैं कम, और थोड़ा पानी डाल देते हैं, क्योंकि जल जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो फ्राई किया हुआ अश है, उसको ऐड कर देते हैं।
बहुत ही मज़ेदार है ये, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप लोग मतलब आप लोग बना के खाइएगा बस, इसलिए आप लोग के साथ शेयर करें। इस पर हम थोड़ा नमक ऐड कर देते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा करके दे रही क्योंकि बॉयल पे भी दी थी, मसाले पे भी दी थी, तो आप रेसिपी पे भी थोड़ा सा दे रही हूँ वरना तिक्ता हो जाएगा हमारा भाई ना। अब जिस पेन पे ले रखा था ना उसका, उसको धो के हम दे रहे हैं भाई, वेस्ट क्यों होने दे, है कि नहीं है, कि नहीं है, सामान को वेस्ट क्यों, वेस्ट होना नहीं, वेस्ट क्यों होने दे। अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं हाई, और इसको ना थोड़ा पानी देकर ना कुछ समय के लिए इसको मतलब पकने देते, अच्छी तरह से पकने देते, तो हमारा जो पकना कहते ना, भूनना जो कहते ना, वो हो गया है कंप्लीट। हमारा सब्जी भी यार हो गया है, देखिए हाय इतना मज़ा लग रहा है, इतना मज़ेदार लग रहा है ना, मेरा तो मन कर रहा है अभी ये खा लूँ। तो इसको मैंने ऊपर से जो धनिया पत्ता था ना वो ऐड कर दी है। अब मैंने एक किसा कट्टा नहीं उस पर ले ली है, ओह तो इसे, और देखिए तो ज़रा हमारा रेसिपी हो गया है तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार।